नगरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा में विकसित किए गए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट की आज महामहिम राज्यपाल ने अवलोकन करने के बाद खुले दिल से सराहना करते हुए कहा कि चंबल रिवर फ्रंट राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनेगा। उन्होंने रिवर फ्रंट की परिकल्पना को साकार किए जाने को सामान्य बात नहीं बताते हुए कहा कि जहां आधुनिक तकनीक के साथ भारतीयता से ओतप्रोत घाट राजस्थान और हाडोती की स्थापत्य कला को बखूबी विकसित कर हेरिटेज के साथ लाइटिंग और नदी का रिफ्लेक्शन दिव्य होगा, अद्भुत होगा और यह चंबल रिवर फ्रंट राजस्थान के पर्यटन के साथ सौंदर्य का कारण सबसे बड़ा स्वरूप बनेगा। राज्यपाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने हर दृष्टि से रिवर फ्रंट को नज़दीक से देखा और रिवर फ्रंट पर विकसित किया गया प्रत्येक पॉइंट आत्मा मन को छू रहा है। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आनंद की अनुभूति कराने वाला यह पर्यटन स्थल बनेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र का आज चंबल रिवर फ्रंट के बैराज गार्डन से अवलोकन शुरू हुआ। बैराज गार्डन पहुंचते ही नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी कर उनका वेलकम किया। इसके बाद महामहिम राज्यपाल गोल्फ कोर्ट के जरिए चंबल रिवर फ्रंट पर विकसित किए गए विभिन्न घाटों एवं हेरिटेज का अवलोकन करने निकले। उन्होंने प्रत्येक पॉइंट पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से चर्चा की और जानकारी लेकर स्वरूप को अद्भुत बताया। विभिन्न घाटों का अवलोकन करने के बाद वर्ल्ड हेरिटेज घाट से मोटर बोट के जरिए महामहिम ने चंबल रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर विकसित किए गए रिवर फट के खूबसूरत नज़ारों को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। पहले से तय थी लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हालांकि विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन राज्यपाल महोदय जब यहाँ पर पधार रहे थे तो मैंने कहा मैं भी उनके साथ रहूँ तो उनको सब दिखाऊँ ये बात। तो अनूप भरतिया जी ने सारा एक्सप्लेन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि पूरा टाइम दिया, पूरा रिवर फ्रंट देखा आपने महामहिम ने, और देख करके एक एक चीज़ की एक एक बिल्डिंग की जो है उसके बारे में पूछा और पूछ करके प्रसन्न जो चेहरे पे जो उनकी प्रसन्नता थी उसी को देख करके ही मैं अपने आप को महसूस अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ। सर कब तक ये जनता को समर्पित हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, कहाँ तक? 30 मार्च तक मेरा ख्याल है इसका वो है, 30 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो फिर उद्घाटन की प्रक्रिया है तो देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।